नवी मुंबई पुलिस ने पैंथर के हत्यारों को किया गिरफ्तार, खाल और नाखून बेचने की फिराक में थे आरोपी। मुंबई पुलिस ने पनवेल से पैंथर की हत्या करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी तेंदुए की खाल और नाखून बेचकर लाखों की कमाई करने की फिराक में थे, लेकिन उनका यह सपना उस वक्त धरा का धरा रह गया जब पुलिस ने शक के आधार पर उनसे पूछताछ की और उनके पास की बोरी की छानबीन की तो पता चला कि उसमें पैंथर की खाल है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रिमांड में लेकर सघन पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने कबूला कि उन लोगों ने मोरबे डैम के पास एक पैंथर को जहर देकर मारा था। वे लोग पैंथर की खाल और नाखून बेचकर लाखों की कमाई करना चाह रहे थे। उन लोगों ने इस बात को भी कबूला कि उन्होंने पैंथर के मांस को भूंज कर खाया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज किया है। हमारे क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 के ऑफिसर्स कर्मचारी, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे पनवेल तालुका में सेंट्रल यूनिट के ऑफिसर और उनके लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला था कि पनवेल तालुका में ये दो लोग हैं, एक पाले खुर्द गाँव में, उन्होंने उनके पास में ये बिबड़िया जो हम बोलते हैं पैंथर, इसका खाल है, स्किन है और इसके नाखून है, तो उसको उन्होंने जा करके दोनों लोगों को अरेस्ट करके उन्होंने यहाँ सीज किया और इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये पहले तो वो पैंथर को इन्होंने पॉइजन किया जहर दे करके, मीट में जहर मिला करके रख करके मोरबी डैम के पास में जंगल में उसको वाया खाया, उसको मारने के बाद में उन्होंने खाल निकाली और फिर उसको हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 72 का जो एक्ट है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। ये बहुत ही गंभीर गुनाह है और बहुत ही एक स्पेशल क्राइम है, एक तरह से बहुत ही बढ़िया काम किया हमारे क्राइम ब्रांच के लोगों ने। इसमें पुराना हमारे पास इन्फॉर्मेशन इनका नहीं है, बट ये पहली बार इनके पास मिला ये, और अभी ये अपने पास रखे थे, अभी ये लोग शायद किसी को बेचने के लिए उसमें करते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं ऐसा, उसके पहले ही हमने उनको अरेस्ट कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।